वर्ष 2013 में सुरा संकल्प यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा NRHM के तहत लगे संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात कही गई थी, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी उन्हें नियमित नहीं किया गया। नियमित किए जाने की मांग को लेकर आज जिला NRHM कर्मिक संघ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। संघ के उपाध्यक्ष पूरण मीणा और संयोजक राकेश सोनी ने बताया कि संघ द्वारा सितंबर माह में 45 दिन की हड़ताल भी की गई थी। उस समय भी आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांग पूरी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा उनकी कोई मांगे नहीं मानी गई। संघ द्वारा पूर्व में भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी उपेक्षा जारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सुरा संकल्प यात्रा निकाली थी 2013 में, उसमें उन्होंने वादा किया था कि नियमित जो संविदा कर्मी है NRHM में लगे हुए उनको नियमित किया जाएगा, और लगभग इस सरकार के 4 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। 45 दिन की हड़ताल के बाद उन्होंने वादा किया था कि आपको जल्दी ही नियमित कर आगे आपकी जो भी मांगे उन पर विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम ज्ञापन दे रहे हैं, मंत्रियों से मिले, लेकिन कहीं कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए आज वापस माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देने हैं। समस्या यह है कि आज से हमने 1 महीने पहले भी 45 दिन का धरना दिया था। हमारी एक ही समस्या है, जो 2013 में जो भर्ती हमारी थी उसको रीओपन करके हमको नियमित किया जाए, यही हमारी मेन। सरकार ने सुराज संकल्प